नमस्कार, फ्रीलांस फैशन विद मंजू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उस कुर्ते को कटिंग करने के लिए हमने थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया है। उस तरीके से हम अगर कटिंग करते हैं तो हमारा कम फैब्रिक में भी एक ड्रेस तैयार हो जाता है। हमने योक पार्ट की कटिंग में थोड़ा सा चेंजेस किया है। आइए देखते हैं हमने उस कुर्ते की कटिंग कैसे की है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वायर्ड मटेरियल और मेजरमेंट हमने स्क्रीन पर शो कर दिया है। ये हमने योक पार्ट को अलग से कट कर दिया है, जो 21 इंच हमारे पास फोल्ड में फैब्रिक है और 16 इंच हमारी योक पार्ट की लेंथ है। ये हमारा वेस्ट लाइन तक का पार्ट हमने कट किया है। 8 इंच हम शोल्डर का निशान लेंगे, क्योंकि हमने लार्ज साइज में कुर्ती बनानी है, और 8 इंच ही हम आर्म होल का लेंगे। या हम आधा इंच इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास 16 इंच का फैब्रिक है, तो हम उसका हाफ डिवाइड करते हैं। अब हम बस्ट का साइज ले लेंगे। हमें 40 बस्ट साइज तैयार करना है, इसलिए हम 10 इंचेस प्लस 1.5 स्टिचिंग अलाउंस यूज करेंगे। यहाँ मार्क कर दीजिए। ऐसे ही सेम पार्ट आप बैक पार्ट वाले हिस्से में लगा लीजिए। एक साइड हमारा कट वाला हिस्सा है, ओपन पार्ट है, और एक साइड फोल्ड है। तो फोल्ड वाला हिस्सा हम बैक रखेंगे, बैक पार्ट, और जो ओपन वाला हिस्सा है हम उसको फ्रंट पार्ट रखेंगे। एक एक इंच हम गोलाई के लिए डाल लेते हैं आर्म होल की। ये गोलाई हमें बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। ये कुर्ती हम रेडीमेड स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए 10-10 इंच की आप दोनों साइड बस्ट का साइज लगा लें। ये देखिए हमारा मिड में ही आएगा ये निशान। अब इस पार्ट को हम कट कर देते हैं। हमारे जो फैब्रिक में थोड़ा सा तिरछापन था, उसको हमने निकाला नहीं है, क्योंकि हमें बैक पार्ट 1/2 इंच ज़्यादा रखना था, इसलिए हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया है। ये देखिए फैब्रिक को इक्वल करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, लेकिन हम उसको कट नहीं करेंगे। इससे रेडीमेड गारमेंट्स की तरह आपकी परफेक्ट फिटिंग आती है, जैसे शोल्डर पे वो टिके रहते हैं। अगर हम दोनों हिस्से बराबर काटते हैं तो उसमें गला पीछे आगे जाने की समस्या होती है। ये हम वी नेक तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने 7 इंच लेंथ और 3 इंच चौड़ाई नेक की रख ली है। 6.5 इंच पर हम फ्रंट आर्म होल का कट देंगे। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ये हमने 1/2 इंच कट फ्रंट वाले हिस्से में रख कर दिया है, और पीछे वाले हिस्से की सिर्फ हम हल्के से शेप देंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा ज़्यादा नहीं है। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। ध्यान रखिए अपने फ्रंट के 2 पार्ट की ही कट करनी है, बैक वाला पार्ट कट नहीं करना है। पीछे वाले फैब्रिक जो हमारा पार्ट है, उसका भी हम मार्किंग शेप में दे देंगे और उसको कट कर देंगे। ये देखिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, जो किनारी वाला हिस्सा है, हमने उसको स्टिचिंग में यूज करना है। हमारे पास फैब्रिक कम होने की वजह से हम किनारी वाले हिस्से को यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप इस चीज को अवॉइड करें कि आप किनारी वाले हिस्से पर स्टिच करें। इस हिस्से में हमेशा थोड़ी सी खिंचाव आता है फैब्रिक में, जो देखने में थोड़ा सा बुरा लगता है। हम रेडीमेड के हिसाब से ही कट कर रहे हैं, इसलिए बैक का नेक भी हम छोटा ही रखेंगे। ये इस तरह से फोल्ड होकर ऊपर सिलाई में आ जाएगा, और एक सीम हम यहाँ फ्रंट नेक पे दे देंगे। अब आपका जो बस्ट साइज है उस पर आप मार्क कर लीजिए। एक छोटा कट यहाँ दे देंगे, और नीचे हम अपनी वेस्ट लाइन का मार्क कर देंगे। यहाँ हमने 38 की वेस्ट लाइन रखी है। ये जो बाकी का फैब्रिक सिर्फ हमारे पास यही है, इसके साइड में से सिर्फ हमने 10-12 इंच की एक पट्टी निकाली है। ये देखिए 28 का फोल्ड में हमारे पास बचा है,
और ये 29 का यहाँ से हमारी चौड़ाई है। इसका बाकी का 11 इंच का हिस्सा हमने स्लीव्स के लिए और बटन की पट्टियों के लिए रख लिया है, गले की पट्टियों के लिए। इन दोनों को हिस्सों का अलग करके हम सेपरेट कर देंगे और इस तरह से योक पार्ट को उसके साथ एडजस्ट कर लीजिए। अब आप 13 इंच पे निशान लगाइए हिप लाइन का। हम हल्की गैदर्स वाला कुर्ती बना रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसका नीचे तक हिप साइज नहीं लेके जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इस पे हल्के हल्के गैदर्स डाल देंगे। आप चाहे तो इस फैब्रिक को भी थोड़ा इधर कर सकते हैं और गैदर्स थोड़ी से ज़्यादा हो जाएंगी। ये हमारा फ्रंट कुर्ती का कटिंग हो गई है। अब हमारे स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ये देखिए, हमारे पास सिर्फ यही पट्टी बची थी। अब जितना भी हमारा आर्म होल है उसके हिसाब से हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। हमने यहाँ पर 8 इंच के बाजू की कटिंग और 9 इंच पर 1 इंच हमने स्टिचिंग अलाउंस दिया है। 3 इंच यहाँ पर हम नीचे मार्क कर लेते हैं और आधा इंच बैक साइड में और आधा इंच अंदर की साइड मार्क कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स की शेप बन जाएगी। ये देखिए, हमने बैक पार्ट पे कट किया है, निशान लगाया है और ये फ्रंट पार्ट पर निशान लगा दिया है। इसमें हम कट लगाकर दो पट्टियां लगाएंगे जिससे हमारी कट वाली स्लीव्स बन जाएंगी और हमारी तैयार जो बाजू की लंबाई है वो 10 इंच के आसपास हो जाएगी। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। ये हम कटिंग करेंगे जो बैक पार्ट पर करेंगे। अब दो हिस्सों को ऊपर से अलग करके हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसको भी कट कर देंगे और ये यहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमने जो कट में जो दो पट्टियाँ लगानी है उसको कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम 4 पट्टियाँ लेंगे, दो हमने यहाँ से निकाली है, दो हम आगे वाले कपड़े से निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं दो पट्टियाँ निकाल के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से अलग अलग करके ये दो पट्टियाँ एक हिस्से से स्टिच हो जाएंगी अंदर से और ये हमारा कट वाली स्लीव्स बन जाएंगी फ्रंट में इस तरह से। ये हमने चारों पट्टियाँ निकाल ली हैं। अब हमने, हमारे पास फैब्रिक काफ़ी कम है इसलिए हमने इस तरह से बैक नेक को तैयार करेंगे और इसमें बहुत ही थोड़े फैब्रिक में हमारा नेक तैयार हो जाता है। हमें सिर्फ आधा इंच की इंटरफेसिंग की कटिंग करके इस पर चिपका देनी है जितना हमारे गले का साइज है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए उसकी चिपका देंगे। अब हम इसकी नेकलाइन को फोल्ड कर देंगे। गले की पट्टी में इस तरह से थोड़े ही कपड़े में काम चल जाता है। अगर हम तिरछी पट्टियां निकालते हैं तो उसमें हमारा काफी कपड़ा लग जाता है और जब हमारे पास कपड़ा नहीं कम होता है तो इस तरीके से हम काफी थोड़े कपड़े में आराम से अपना नेक तैयार कर लेते हैं। हमने फ्रंट और बैक दोनों ही नेक इसी पोर्शन से, इसी तरीके से तैयार किए हैं। ये देखिए, हमारी बैक की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट फिट आई है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। अब जो हमारा राउंड शेप है उसके अंदर हम हल्के हल्के कट लगा देंगे ताकि हमें मोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा नेक तैयार हो गया बैक में।
इसको हम बाद में स्टिच करेंगे। अब हमने फ्रंट की पट्टी पे तैयार करना है। ये हमने इसको फ्रंट वाला जो हमारा खुला हिस्सा था उसको सील दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर बटन पट्टी भी लगा सकते हैं। ये जो हमारे पास पट्टी यहाँ पड़ी थी उसी से हमने फ्रंट नेक के लिए प्रिपेयर कर लिया है। सेम मेथड रहेगा हमारा, जैसे फ्रंट बैक को तैयार किया वैसे हम फ्रंट नेक को तैयार कर लेंगे। आप इसको पहले ही सेट करके पिनअप कर लें किसी समतल जगह पर बिछाकर, ताकि कपड़े में इधर उधर जाकर खिंचाव ना आए या झोल ना आए। हमने इसको पिनअप कर लिया है, अब हम इसको स्टिच कर देंगे। आकर उसको बटन से फिनिश कर सकते हैं। बटन वर्क होने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और चाहे तो आप ट्रेडिशनल जो तरीका होता है हमारा दोनों साइड से लैस लगाने का, वो भी फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों ही हिस्सों में अच्छी लगती है, जिस तरीके से आप बनाएंगे वो दोनों ही अच्छा लगेगा। आप इस तरह से इस पे बटन अटैच कर सकते हैं सिंगल पोर्शन में लगाकर। ये भी काफ़ी ट्रेंड में है, अगर आपको थोड़ा सा ट्रेंडी नेकलाइन तैयार करना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों साइड ही लेस लगा दें और बीच में बटन्स दे दें। हम इसमें दोनों साइड बटन लगा रहे हैं और लेस को भी दोनों साइड लगा देंगे। ये हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। ये भी हम रेडीमेड सूट की तरह ही इसको जोड़ेंगे। ऐसे सिंगल सिलाइयाँ दे दीजिए और पट्टी को फोल्ड करते हुए बैक का नेक भी सील दीजिए। ये देखिए इस तरह से बटन पट्टी को उलटते हुए इससे बिल्कुल भी झोल नहीं आता है, ना ही कहीं पे ज्यादा मुड़ा हुआ होता है। हम कंधे की इस पे सिलाई लगाते हुए यहाँ पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और बैक वाला नेक भी तैयार कर देंगे। ये देखिए हमारा बैक का नेक भी तैयार हो गया है। ये हमारा योक पार्ट तैयार हो गया है। इसके बाद हम स्लीव्स को जोड़ लेंगे। स्लीव्स के लिए हम इनको एक हिस्से को स्टिच कर देंगे। ये देखिए हम स्टिचिंग इस तरह से करनी है कि दोनों फ्रंट आमने सामने आ जाएं। दो साइड इसकी बंद रहेंगी, दो साइड इसकी खुली रहेंगी। ये हमने चारों इन पे सिलाई लगा ली है। इसके कॉर्नर को कट कर दीजिए ताकि सीधा करने में वहां पर ज्यादा कपड़ा इकट्ठा ना हो। ये हमने चारों पट्टियां अपनी फोल्ड करके सीधी कर ली हैं। अब स्लीव्स के बीच में एक कट दे दीजिए और ये दोनों जो हमने स्टिच वाला पार्ट है इस पर एडजस्ट कर दीजिए।
ये देखिए, ओपन वाले पार्ट को जोड़ने वाले जगह पर हमें स्टिच करना है और इन दोनों को बिल्कुल इक्वल करते हुए, आगे पीछे ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें, और इसको बाजू पर अटैच कर दीजिए। ये हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। इस पर हम डबल सिलाई देंगे। ये देखिए, हमारा कट में अच्छा डिजाइन बनकर तैयार हो गया स्लीव्स का। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम जो हमारे पास नीचे का फ्लेयर वाला पार्ट था, उस पर हम हल्के से गैदर्स के लिए बड़ा स्टिच करके हल्के हल्के गैदर्स लगा लेंगे। इसको गैदर्स को इतना ही रखें जितना हमारा वेस्ट का पार्ट है। ये हमने योक पार्ट के बराबर करते हुए इसको स्टिच कर लिया है। ये कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। दोनों फ्रंट और बैक को आप तैयार कर लें। ये देखिए, हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। हमने लैस अभी एक ही साइड में लगाई है। हम ट्राई करेंगे कि इसको दोनों तरीके से बनाकर देखें। ये जो हमने मार्किंग की थी, उस पर दूसरी साइड भी मार्क कर लीजिए। जो आपका बस्ट साइज है, वेस्ट साइज है, और ये हिप साइज हमने फ्री रखा है। ये 50 इंच तक की, मतलब यानी कि 50 इंच का जिसका हिप साइज है वो आराम से इसको पहन सकता है। वेस्ट साइज जो हमारा है वो 38 रहेगा और बस्ट साइज है हमारा 40। अब दोनों साइड से इसको मार्किंग करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा जो वेस्ट का साइज है वो 38 तैयार है। और हमारे पास फैब्रिक इतना है कि हम इससे भी ज़्यादा, मतलब 42 बस्ट साइज तक भी इसको आराम से बना सकते हैं। यानी कम कपड़े में ही हमारी कुर्ती अच्छे खुली तैयार हो जाएगी। लगाएंगे लेस, हम सिर्फ चाक वाले पार्ट पर दे रहे हैं, हम नीचे वाले फ्लेयर पर लेस नहीं लगाएंगे। हमने आगे और पीछे दोनों साइड लेस लगाई है। वी पोज में, शेप में इसको घुमाते हुए हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, हमारी कुर्ती तैयार हो गई है और इसका बस्ट साइज हमारे पास ये 40 इंचेस आया है, यानी 20 इंचेस हाफ, और वेस्ट भी हमारी 38 तैयार हो गई है।
और ये देखिए ये हमारे पास फ्री साइज बिल्कुल अवेलेबल है और इसकी लेंथ भी हमें 41 मिल गई है। जो योक पैटर्न का हमारा 16 इंच का जो हमारा फैब्रिक था उसको हमने बचा लिया है इस तरह से कटिंग करके। आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। ये देखिए हमारे स्लीव्स की लेंथ भी अच्छी खासी निकली है और कट के साथ अच्छी ड्रेस तैयार हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।